भाभी आपके लिए नहीं लेगा तो भैया आजू बाजू वाली के लिए देखेगा। बहुत तेज हो रहे हो हैं। उड़ीसा उड़ा उड़ा के सेल करेगा। उड़ीसा बोलो जी निशाओ। क्या बोला तूने? इंडिया और थाईलैंड पेन का एक ही हालत है, पेन के अंदर रिफिल नहीं है, क्या करेंगे बताओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गाइस ये हम भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडिगो फ्लाइट में चढ़ने की इंतज़ार कर रहे थे। रात को 10:30 बजे के आसपास हमारा फ्लाइट था भुवनेश्वर एयरपोर्ट से, और फ्लाइट बिना लेओवर के सीधा बैंकॉक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में लैंड किया था। ये सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप जो सामने, वो सब ड्यूटी फ्री का आइटम मिल रहा है। आपको पता ही है ये कौन सा सामान है। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत रेसिज्म फेस किया। और यहाँ पे देखिए बहुत लंबे लंबे ट्रैवलेटर थे, और ये इमिग्रेशन फॉर्म है। जिस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे वीज़ा फ्री था, तो इमिग्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं था। बस मैं दिखा रहा हूँ भाई, इंडिया और थाईलैंड पेन का एक ही हालत है, पेन के अंदर रिफिल नहीं है, क्या करेंगे बताओ। गाइस ये लगभग सुबह के 4:30 बजे हैं। हम लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी इमिग्रेशन में एंट्री होने के बाद। तो एयरपोर्ट के अंदर ही एक 7-Eleven का स्टोर था, वहाँ पर हम गए और देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें नॉनवेज में हैं। तो हमने ये कुछ फ्रूट्स उठा लिए, उसमें कुछ कटे हुए आम थे, कुछ एप्पल थे, और थोड़ा सा फ्रूट जूस, और कुछ हल्का फुल्का सा चिप्स हमने उठा लिया। फ्रूट्स बहुत ही सही थे, बहुत टेस्टी थे, और जूस वगैरह मेरे को एवरेज लगे, क्योंकि हमारा इधर का टेस्ट अलग है, उनका टेस्ट अलग है, तो फ्लेवर्स मुझे थोड़ा अलग लगे। और ये देखिए ये एलिवेटर वगैरह है, जैसे अपना कंट्री में होता है एलिवेटर। ये हम एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर हम आए थे। हमारा जो डेस्टिनेशन है होटल था पहला दिन का, बायोक्स का है, उसके लिए हम मेट्रो में जा रहे थे। खर्च करेंगे पूरा स्टॉपलेस खा रहा है, कुछ पैसा मिला है, कुछ 100 के नोट और कुछ 20-20 के नोट मिले, उल्टा नोट उड़ा दिला, 20-20 के 4 नोट मिले, दिखाता हूँ। इंडिया में कभी हम इतना पैसा कैरी नहीं करते। यहाँ ये यहाँ का 20 का नोट है, पता नहीं किसका होटल लगा है। पीछे तो नेहरू जी हैं, दिखा दो, नेहरू जी और अटल जी दोनों ही हैं। और ये यहाँ का 100 रुपये के नोट, अरे भाई। और ये यहाँ का 1000 का नोट, ये हम करेंसी चेंज कर दो, वापस भुवनेश्वर से लेके आए थे, इसको शायद वापस लेके जाएंगे तो फिर इसको चेंज कराना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। क्या बदबूदार स्वागत हुआ है हमारा। हम मेट्रो से उतर के हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे, उस रास्ते में भाई इतनी गंदी बदबू के साथ हमारा वेलकम हुआ, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी। ये रहा सामने हमारा होटल बायक्स का है, यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। ये होटल जो है वो 84 फ्लोर से टोटल इसमें, और ऊपर से नीचे आने में लिफ्ट में लगभग 5 मिनट लगते हैं। ये रास्ते में गाड़ियाँ इनकी सही है, लेकिन कूड़ा कचरा अपना जैसा ही है, इंडिया में जैसे लोग फेंकते हैं कूड़ा कचरा वैसा ही है। और ये जो एरिया था वहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह थे, काफ़ी इंडियंस भी मिले हमें रास्ते में। और इंडियन खाना इधर मतलब हर किसी जगह पे आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, हर दूसरा दुकान यहाँ पे इंडियन ही है, देखिए यहाँ पे। और इंडियन टेस्ट वो लोग बनाते हैं, जैसे कि जैन फूड वगैरह। ये बैग्स का होटल का एंट्री है। मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी थे, और आसपास इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग भी मतलब फ्रेंडली है, स्टाफ वगैरह कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हम जो नीचे से दिखा रहे थे ना, अभी 18th फ्लोर पे हैं हम। ये हम आगे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, भूख तगड़ी लगी थी। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी, उसके साथ उन्होंने काफ़ी सही रायता दिया था। ये उसी होटल के पास एक मार्केट था, तो हम मार्केट में थोड़ा मतलब चीज़ें देखने गए। हमने हालांकि ज़्यादा कुछ लिया नहीं, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही हमें निकलना था फुकेट के लिए, और जो फुकेट का हमारा फ्लाइट था
उसमें ज़्यादा सामान अलाउड थे नहीं, तो हमें 7 kg के अंदर ही ट्रैवल करना था, तो हमने जाते हुए कुछ लिया नहीं। हमने सोचा कि चलो आते हुए लेंगे, अभी फ़िलहाल जाके देख लेते हैं। और कपड़े मतलब अतरंगी छतरंगी कपड़े तो थे भाई, मतलब थाईलैंड वाला पूरा वाइब तो आ रहा था, क्योंकि हम थे बैंकॉक में और मार्केट में जो कपड़े थे वो डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल ऑथेंटिक थाईलैंड की तरह ही बना था। और जो गैजेट्स थे वो बिल्कुल ऐसे चाइनीज़ गैजेट्स, जैसे देख रहे आप देख सकते हो ड्रोन वगैरह बहुत सस्ते थे। ड्रोन लाइक 2000 थाईबात के अंदर आपको ड्रोन मिल जाएंगे, 2000 थाईबात मतलब इंडियन रुपीज़ में 5500 पकड़ लो। गाड़ियाँ काफ़ी सही थी, गाड़ी लेने का मुझे मन था लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि आते हुए अगर इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। हमने कुछ इंडियन कपड़े भी देखे वहाँ पे, और लुई विटन को तो वो लोग वहाँ पे पता नहीं कैसे ही क्या समझ रहे हैं, लुई विटन को जैसे मर्जी आए वैसे बेच रहे हैं वो सारे, मतलब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, इन्होंने सारी चीज़ों की कॉपी बना रखी है भाई। और इनका पैटर्न्स जो था ड्रेस का वो सिर्फ बीच वाइव के लिए था वो, और वो प्रॉपरली मतलब ट्रैवलर्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें रखे हुए थे। और वहाँ पे हमें मिल गए एक इंडियन का सेल्समैन। देखिए इंडिया का सेल्समैन जहाँ भी जाएगा धमाल मचाएगा। ये भाई साहब के साथ हमारा थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, देखिए। सर भैया भाभी के लेना ही लेना, कौन सा वाला? एक लेगा तो 250 है, 3 लेगा तो 600 है। भाभी आपके लिए नहीं लेगा तो भैया आजू बाजू वाली के लिए देखेगा। ये INR बोल रहे कि भाट बोल रहे हो? ये INR कहाँ होता है भैया? इंडिया में तो नहीं है, थाईलैंड बैंकॉक में है तू। अच्छा मैं भूल गया, कहाँ से इंडिया? उड़ीसा। उड़ा उड़ा के सेल करेगा उड़ीसा। बोलो जी निशा, मैं मणिपुर से, बेटा बोलो जिनिस कम दाम में आओ। और ये जूते चश्मा कैप्स ये सब मतलब बहुत ही फंकी डिज़ाइंस के थे और काफ़ी सही थे। क्वालिटी वाइज तो इतना बुरा भी नहीं था, मुझे सही लगा क्वालिटी वाइज। हाँ प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे करके आप बार्गिन कर सकते हो तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगे वहाँ पे। इतने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, मुझे कुछ लेने का मन था लेकिन भाई दिक्कत वहाँ पे आके अटक जाती है कि कल को जाते हो अगर इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया तो मुझे दिक्कत होना है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिया। हालांकि जब हम वापस आए उसके बाद हमने इमिग्रेशन वालों से बात किया, उन्होंने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप जो चीज़ कैरी कर रहे हो वो हार्मफुल नहीं है, वो फ़्लाइट में अलाउड है तो आप ला सकते हो। हाँ अगर उसमें कोई थ्रेट है, किसी किसी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी बैटरियाँ आती है तो वो सब अलाउड नहीं है, क्योंकि आप मतलब क्या समथिंग 5000 mAh से ज़्यादा बैटरी आप कैरी नहीं कर सकते हो, वो शायद एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आता है। तो बाकी सब चीज़ें आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार अगर मैं थाईलैंड गया तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। और यहाँ पे जो ब्लैक शर्ट दिख रहा है उसका प्राइस इधर अलग है और बाहर अलग है, तो मैंने बाहर से लिया, मुझे 3 शर्ट 350 थाईबात का पड़ा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।